अब एससी एसटी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट का जनता का बारे में बात करते हैं, आईआईएम अहमदाबाद कैसे मिलेगा। तो देखिए, आपको आईआईएम अहमदाबाद मिलने के लिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करना है CAT 23 में, वो चीज़ पहले समझना होगा। पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैं बहुत बार ऐसा वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि दे आर ग्रोथ के लिए उन लोगों को भी ग्रोथ कराना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन उतना नहीं जाता है जितना जनरल कैंडिडेट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है। सो खास करके मैं उन लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दिस चैनल में ऐसा मैं बताता रहता हूँ, तो वीडियो में वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक ठोकिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तब जगह ऐसे इन्फॉर्मेशन आता रहेगा एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो बेटा, आपके लिए क्या करना है, देखो यार, आया मैं अहमदाबाद, बेंगलोर या कलकत्ता, कोई भी जगह में आप जाओ, आपको सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, आठ आठ आठ, मतलब क्या ना, BRC में 8 गो क्वेश्चन, DILR में 8 गो क्वेश्चन, क्वांट में 8 गो या 9 गो, कुछ भी हो, आपको क्वेश्चन राइट अटेंड करना है। ओके, तो क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूँ राइट अटेंड करने से क्या होगा, इस बार इतना क्वेश्चन करके आओगे 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 66 क्वेश्चन रहता है टोटल, तो उतना करके आओगे तो आपको 98-99% इस बार हो गया था। सो दिस इज द वे, क्या है ना, आपको करेक्ट करना है बच्चा, ठीक है ना, करेक्ट नहीं करने से आपका कोई मतलब नहीं है, गलती कर दोगे तो दिक्कत होगा, तो ऐसे ही करना है। क्या होगा ना, आपको SC का बच्चा जो है 99.34% में भी आपको कन्वर्ट होता है, किसी किसी का 91-92% ST का बच्चा का भी कन्वर्ट होता है IIM अहमदाबाद में। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स। लास्ट ईयर 88% में भी कन्वर्ट हो गया था IIM अहमदाबाद में, ST का कैंडिडेट था। सो दिस इज द थिंग। एंड वन सेकेंड, व्हाट आई एम टेलिंग यू, वहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी का बात है, लेकिन फिर भी एससी एसटी के लिए उतना प्रेफरेंस नहीं देता है, और खास करके एससी एसटी कैंडिडेट का बहुत इंपॉर्टेंस ही है। क्या देखो यार, जनरल में जो कट ऑफ रहता है उसमें जनरल कैंडिडेट कट ऑफ प्लस क्रॉस नहीं करेगा तो उसको माना नहीं जाता है, मतलब क्या, उनका सीट खाली रहता है, उसका सीट आपका सीट से फिलअप होता है, एससी एसटी सीट से कन्वर्ट किया जाता है। सो दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट। व्हाट आई एम टेलिंग यू, पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि पढ़ाई नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा, ये सब मैंने मतलब बेकार है। आप मेरा वीडियो सुनते रहो, आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यूँ ही आते रहेगा। ओके, सो वन सेकंड, आई एम एनकरेजिंग दैट एस सी एस टी कैंडिडेट, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, तीनों बार बोल रहा हूँ। एंड वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका कम्युनिटी में ये वाला वीडियो शेयर करो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस।